करते हैं। 1 जनवरी 2017 को स्टार इंडिया लिमिटेड इशू करे 1000 डिबेंचर 100 रुपीज़ का एक है, और 5% डिस्काउंट को इशू करा, यानी 100 वाला 95 के हिसाब से प्रीपेबल ये पेमेंट करनी है। पहले 19 में, 20 में, 21 में ये रिडेम्पशन करनी है इस टाइप से उसकी। और कंपनी अपना इंटरेस्ट जो देती है डिबेंचर पे एनुअली देती है, एनुअली मतलब 1 ईयर के बाद, एक एक साल के बाद। जैसे मैंने पीछे इंटरेस्ट की एंट्री आपको हाफ से लिखाई थी, इसमें एनुअली है, तो आपने एंट्रीज करनी है इंटरेस्ट को साथ में लेते हुए सिर्फ बिगिनिंग 1 जनवरी 2017 से, यानी इशू की डेट से, और 31 दिसंबर 2017 यानी 1 ईयर की एंट्री करके दिखानी है, और एक डिस्काउंट का अकाउंट बना के दिखाना है जब तक उसकी पूरा क्लोज नहीं हो जाता। तो स्टार्ट करते हैं, बस ये 1 ईयर की एंट्री करनी है। 1 ईयर में एक तो आपका इशू हो जाएगा, इशू आपने डिस्काउंट पे रिडम्पशन एट पार है कुछ नहीं दे रखा, तो हम मान के चलेंगे रिडम्पशन एट पार है, कोई लॉस का अकाउंट नहीं खुलेगा। सिंपल आप डिस्काउंट पर इशू करने की एंट्री करेंगे, तो 1000 डिबेंचर इशू करें 100 वाले 95 के हिसाब से, तो लिख लेते हैं एक बार। 1000 डिबेंचर है और 100 रुपीज़ का एक है, और आपने इशू करा है 5% डिस्काउंट पर इशू करा है, यानी 100 वाला कितने में इशू करा, 100 का क्या करेंगे 5% करेंगे, 5 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, यानी 95 में इशू करा, तो आप क्या करना 1000 को किससे मल्टीप्लाई करना 95 से, फर्स्ट एंट्री आपकी पूरी हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 1 जनवरी 2017 को इशू करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95000, यहाँ भी 95000 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95000, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट आपका 5000 हो गया, या डिस्काउंट डिस्काउंट का अकाउंट खोलेंगे, लॉस का तो नहीं खोलेंगे आप, क्योंकि लॉस का तब खुलता है रिडम्पशन किसके ऊपर हो, प्रीमियम पे, टू डिबेंचर में आपका 1 लाख आ जाएगा यहाँ। तो उसके बाद हम इंटरेस्ट देने की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट देंगे एंड ऑफ द ईयर, एनुअली देना है उसने। अब यहाँ पे कोई TDS वगैरह नहीं काटना, जैसे क्वेश्चन में याद है मैंने TDS काटा था, अब सिंपल एंट्री बनाएंगे फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, लेकिन अगर TDS काटना तो साथ में 2 TDS पेबल होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है 1 लाख के डिबेंचर हैं 1 लाख रुपीज़ के, उसी तरह इसका 12% इंटरेस्ट का रेट है, उस 1 लाख का 12% कर लेंगे, यानी 1 लाख मल्टीप्लाई 12 बाई 100, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा 12000, यहाँ पर 12000 आ जाएगा, फुल ईयर का ही देना है, एक बार देंगे 12000। फिर उसके बाद हम इसको राइट डिबेंचर होल्डर टू बैंक, नेक्स्ट एंट्री वाले ड्यू होता है डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, यहाँ भी 12000 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 12000 आ जाएगा। उसके बाद इसको राइट ऑफ करेंगे, हम राइट ऑफ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, डिस्काउंट तो आपने करना ही करना था, डिस्काउंट टोटल आपका 5000 है, ये आपने राइट ऑफ कर लिया। और एक आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका कितना था 12000, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस से डालेंगे, 12 और 5 टोटल मिला के हम प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डालेंगे 17000 हम डालेंगे। ये हमारी एंट्री बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने एक ना अकाउंट बना के दिखाना है, डिस्काउंट का अकाउंट बनाना है, डिस्काउंट आपका यहाँ पे डेबिट हो रहा था इस एंट्री में, यहाँ पे किन्हें से डेबिट हो रहा है 5000 से, तो डेबिट साइड में डालेंगे 1 जनवरी 2017 डेट दे रखी है, 2 12% डिबेंचर अकाउंट, तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 5000। फिर एंड ऑफ द ईयर हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाला था दिसंबर 31 को यहाँ डालेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्काउंट कितना आपका 5000, ये 5000 यहाँ पे यहाँ डाल दीजिए, और टोटल करेंगे यहाँ भी कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा 5000 आ जाएगा, ये आपकी एंट्री बन जाएगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम इसको क्या करेंगे राइट ऑफ कर लेंगे, एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये क्वेश्चन था, ये चैप्टर था आपका, टोटल 33 क्वेश्चन थे, इसमें एक दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है एडिशनल में, वो मैं करा रहा हूँ, एक दो समझना ध्यान से। कई बार क्या होता है जब वेंडर को डिवेंचर देते हैं तो वो पॉइंटों में आ जाता है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे इसको, वो क्वेश्चन एक बार करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आपका देखना 40 क्वेश्चन, ये कंपनी ने परचेज की है आपके एसेट्स टोटल खरीदे हैं, उसने बुक वैल्यू दे रखी है, कंपनी परचेस्ड असेट्स बुक वैल्यू दे रखी है 6 लाख की, और लायबिलिटी ली है उसने 150 की, किससे खरीदे हैं गोल्डन लिमिटेड से, और इट वॉज अग्रीड दैट जो परचेज कंसीडरेशन आपने देना है वो 4,80,000
आपने देना उसको, ये परचेज कंसेशन भी दे रखा आपको, और जो देना है डिवेंचर देने 100 वाले कितने डिस्क प्रीमियम पर देने हैं, 10% प्रीमियम पर देने हैं। इट वॉज फर्दर अग्रीड दैट जो एनी फ्रैक्शन कोई भी अगर पॉइंटों में अगर आपका पॉइंट आता है तो उसको आपने पेमेंट कैश में करनी है, तो आपने एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा हुआ है परचेजिंग कंपनी। तो असेट्स भी लिए, लाइबिलिटी भी लिए, तो अगर एंट्री करते हैं स्टार्ट, तो असेट्स हमने लिए हैं टोटल मिला के 6 लाख के, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 6 लाख डालेंगे, और जो लाइबिलिटी ली है 1,50,000 की, 150 आप लाइबिलिटी में डाल दीजिए, और वेंडर को देना है हमने 4,80,000, वेंडर का अमाउंट भी दिया हुआ है 4,80,000 कि उसको देना है। जब दोबारा एंट्री कर लेते हैं, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 2 लाइबिलिटीज़, और वेंडर का नाम है गोल्डन लिमिटेड, तो गोल्डन लिमिटेड आएगा, तो 4,80,000 यहाँ पे, 150 यहाँ पे, और बाकी जो टोटल आपको नीचे ज़्यादा हो गया तो आपको पता है ऊपर हम क्या डालते हैं, गुडविल डालते हैं, अगर ऊपर टोटल ज़्यादा हो जाए फिर हम क्या डालते हैं, कैपिटल रिजर्व डाल देते हैं, तो गुडविल में हमारा आ जाएगा 30,000 यहाँ डालेंगे, तो ये एंट्री बन जाएगी, यहाँ लिख देंगे असेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज फ्रॉम गोल्डन लिमिटेड, यहाँ पे आएगा, अब देने की एंट्री करेंगे, गोल्डन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, गोल्डन लिमिटेड को हमने कितना देना है 4,80,000 यहाँ डालेंगे। अब उसको डिवेंचर दे दिए हमने आगे पढ़ते, और जो डिवेंचर दिए हैं उसको दिए हैं 100 रुपीज़ का एक है, और आपने दिया है 10% प्रीमियम पे, यानी अगर बात करें जैसे 4,80,000 देना है और 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है और 10% प्रीमियम पे दिया, तो 10 प्रीमियम हो गया, तो 100 वाला कितने में दिया, 110 में, इसको आपने 110 से डिवाइड करेंगे, जब आप डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट आता है 4,363.63, पॉइंटों में डिवेंचर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं पॉइंटों में, तो अगर पॉइंटों में अगर डिवेंचर आते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चीज़ को ध्यान में रखना, ये नहीं करना कि पूरा इसको कर दो, आप पॉइंट बिल्कुल इग्नोर कर दो, बढ़ाना भी नहीं है, ऐड ज़्यादा भी नहीं करना, यहाँ बिल्कुल इग्नोर करो, यानी 4,363 डिवेंचर हो गए, और एक डिवेंचर कितने का 100 का, 4,363 × 10 ये प्रीमियम आपका बनेगा, यानी प्रीमियम बन गया 4,360, ये आपका हो गया 4,363,000, तो इसको हम डालेंगे यहाँ पे, यहाँ तो आपका आ जाएगा गोल्डन लिमिटेड में 480, और डिवेंचर का अमाउंट बनेगा 4,363,000, यहाँ डालते हैं डिवेंचर के सामने 4,363,000, प्रीमियम आपका बनेगा 4,360, ये प्रीमियम आपका हो जाएगा यहाँ पे, और जो आपके फ्रैक्शन, अब जो आपका डिफरेंस रहेगा, क्योंकि डिफरेंस होगा क्योंकि फ्रैक्शन में आपका आया था, तो आपने क्या करना है 480 में से इन दोनों को माइनस करके बाकी जो बचेगा 70 रुपीज़ बचेंगे, वो आप टू बैंक करके पेमेंट करोगे, क्या करोगे यहाँ टू बैंक करके, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपका 4,363.63 आ रहा है, इसको बढ़ाना नहीं, ऐड ज़्यादा नहीं कर देना, और पूरे डिवेंचर लेने और यहाँ से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना और 10 से मल्टीप्लाई, ये नहीं कर डिफरेंस लगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम डाल दो, यहाँ पे पूरा 10 से मल्टीप्लाई करके जितना बनेगा और बाकी जो फ्रैक्शन बचेगी 70 रुपीज़ बच जाएंगे, वो आप टू बैंक के सामने डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका 41 है, एक्स लिमिटेड ने एसेट्स लिए हैं 5 लाख के, लाइबिलिटी है 1 लाख की, और देना कितना उसको 3,80,000 देना है, ये परचेज कंसेशन का अमाउंट है, और जो परचेज कंसेशन आपने पे करा है उसमें डिवेंचर दिए 100 का कितने डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट पर, यानी 100 वाला 90 में, और इट वॉज अग्रीड दैट कोई भी फ्रैक्शन होगी तो मैंने आपको कहा था वो किस में देते हैं, कैश में देते हैं, तो आपने एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी, और आपने डिस्काउंट वगैरह को राइट ऑफ नहीं करना, उसकी एंट्री छोड़ देनी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पर तो असेट्स लिए हमने 5 लाख के, यहाँ डालते हैं सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, और लाइबिलिटी हमने ली है इसमें ये है 1 लाख की, 1 लाख लाइबिलिटी में डाल देंगे यहाँ पे, और देना उसको हमने 3,80,000, 380 यहाँ पर डाल दीजिए, अभी 480 हो गया, और यहाँ पे 5 लाख है, तो बाकी जो आपका बनेगा 20,000 बनेगा, आप कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर ऊपर टोटल ज़्यादा हो जाए तो मैंने वेंडर में उठा लिख दिया है, यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा 20,000, और 3,80,000 आप वेंडर के सामने डाल दीजिए, यहाँ जानकारी देता हूँ 3,80,000, और 20,000 का डिफरेंस आएगा वो आप कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ऊपर टोटल ज़्यादा है नीचे टोटल क्या है कम है, फिर हम कहाँ डाल के पूरा करते हैं, कैपिटल रिजर्व में डाल के पूरा करते हैं, दोबारा करते हैं सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, 2 लाइबिलिटीज़ 1 लाख, उसके बाद 2 वेंडर
3,80,000 देना, बाकी 20,000 आप कहाँ डालेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दीजिए। अब देने की एंट्री करते हैं। अब तो वेंडर को कितना देना हमने, 3,80,000, तो यहाँ तो डालेंगे 3,80,000, ठीक है। अब जो उसको पेमेंट की है वो हमने डिबेंचर दिए हैं, और आपने डिबेंचर दिए 100 का दिया है और 10% डिस्काउंट पे दिया है, 10 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, 100 वाला कितने में दिया, 90 में दिया, 90 से डिवाइड करेंगे 4222.22 आता है, यानी पॉइंटों में आ रहा, पॉइंट को आप, मैंने कहा था बिल्कुल आप छोड़ देंगे, 4222 पूरे डिबेंचर लेंगे, चाहे आपका ज़्यादा भी हो तब भी छोड़ना है, तभी पूरा अपने डिबेंचर पूरे लेने, मल्टीप्लाई 100 का, ये आपको बनेगा 4,22,200, ये तो आप डाल देना डिबेंचर के सामने। अब आपने 4222 को मल्टीप्लाई करना है 10 रुपीज़ डिस्काउंट से, ये बनेगा 4,22,20, ये आपका आएगा डिस्काउंट के सामने, डिस्काउंट आपका डेबिट होगा यहाँ पे, डिस्काउंट इशू है ना, 4,22,20। अब आप क्या करना है, इसका टोटल कर लेना और इसमें से ना ये माइनस कर देना, बाकी जो आपका बचेगा वो आपने टू बैंक करके देना है, टू बैंक करके कितने रुपीस आएंगे, 20 रुपीस आप टू बैंक करके डाल, ये फ्रैक्शन है जो आपने पेमेंट किस में करनी है, कैश में या बैंक के थ्रू करनी है, इसलिए फ्रैक्शन में आया है क्योंकि आपके जो डिवेंचर में डिवाइड करके निकाले वो पॉइंटों में आ रहे हैं, तो इस 0.22 को काट के पूरे डिवेंचर लेना, 400 2 22 100, ये आपको बनेगा 4,22,200, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना, वो आपका डिस्काउंट में आ जाएगा, और बचा हुआ आपका जो फ्रैक्शन पेमेंट किया वो टू बैंक में करके पेमेंट कर देंगे, 20 रुपीज़ की पेमेंट कर देंगे। ये चैप्टर था इशू डिवेंचर का, आप इसको आज और कल अच्छी तरह कर लीजिए, आज आपका फ्राइडे है, ठीक है, तो आज भी करिए, कल भी करिए, संडे को भी करिए, जो भी आपका पेंडिंग है, जो चाहे एडिशनल क्वेश्चन है वो भी आप कर करके देखो, ठीक है। तो अगर आगे नई बुक हमारी स्टार्ट होगी, आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक है, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी मंडे को